एथलीट के कोच थे डॉक्टर रीटा। अब डॉक्टर रीटा भी जज हैं इसी एक्सपो की। कैन यू इमेजिन दिस? Hard work always pays off. Now you got the title, buddy. Yeah, buddy. ऑल राइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। तो भाई लेकर आज का बॉडी बिल्डिंग की दुनिया है, काफी सारी अपडेट्स, तो वीडियो ने आप सबके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने मनीष कुमार के बारे में, जिन्होंने भाई हाल ही में कम्पीट किया था अपने टोरंटो सुपर प्रो शो में। तो भाई ये ना हाल ही में अपने एक रिसेंट फिजिक अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो की आप लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। और भाई ये नीचे कैप्शन में हमें बताते हैं कि ये 3 वीक्स आउट अपने नेक्स्ट शो के लिए। और ये ना नीचे कैप्शन में अपना कनाडा का फ्लैग भी लगाते हैं, और ये ना आजकल कनाडा में रह रहे हैं, तो हो सकता है अपने कनाडा सी प्रो क्वालिफायर शो में कंपीट करें। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट होगी ना, वो सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है अपने आईआईबीपी प्रो मनोज पाटिल की ओर से। तो भाई इनकी ना काफी समय के बाद अपडेट लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा, इनका ना भाई प्रो कार्ड हो चुका है सस्पेंड, जिसको लेकर ना भाई अपने दिल्ली वाले प्रो शो में भाई कंपीट नहीं कर पाए थे। तो अभी ना अपने मनोज पाटिल भाई हमें अपडेट देते हैं कि वह इस बार के मुंबई वाले प्रो शो में कंपीट करने वाले हैं, जब तक ना उनका भाई अपना प्रो कार्ड भी रिलीज हो चुका होगा। और साथ में ही अपना रिसेंट फिजिक अपडेट भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि अपने मनोज पाटिल भाई प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग इनके शोल्डर और आर्म्स पे फोकस कर सकते हैं, जो कि भाई काफी ज्यादा लूज लग रहे हैं, और चेस्ट में भी काफी ज्यादा फुलनेस शो हो रही है। तो भाई अगर अपने मनोज पाटिल इस पर के मुंबई वाले प्रो शो में भी अपने स्मॉल वेस्ट लेकर आ जाए, तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। बाकी इसको लेकर ना आप सबके जो भी थॉट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो की आ रही है अपने तरुण गिल की ओर से, जो की अपने शेरू क्लासी के पीछे भाई हाथ धोकर पड़े हुए हैं। तो इन्होंने अपनी रिसेंटली इंस्टाग्राम स्टोरी में ना भाई अपने शेरू क्लासिक की जजेस को ना भाई एक्सपोज कर दिया है। तो इसको लेकर वह क्या कहे, तो चलिए वह देख लेते हैं। क्या एक एथलीट जब वो किसी कोच से कोचिंग लेता है, क्या उस कोच का फर्ज नहीं बनता उस एथलीट की हेल्थ की सेफ्टी रखना? अभी सोचने वाली बात है। अब इमेजिन करिए, अभी जो एक्सपो खत्म हुआ, वहां पे जो एक एथलीट था वो नीचे गिर गया डिहाइड्रेशन से, और उनको साइड में कर दिया जाता है स्ट्रेचर में, और देखा जाता है कि यार वो तो डिहाइड्रेटेड है, उनको सांस नहीं आ रहा है, उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है। एंड गेस व्हाट, इस एथलीट के कोच कौन थे? ये आपको मैं तस्वीरें आएंगी आपकी स्क्रीन पे। इन एथलीट के कोच थे डॉक्टर रीटा। अब डॉक्टर रीटा भी जज हैं इसी एक्सपो की। कैन यू इमेजिन दिस? पहले तो मुझे लगता था सिर्फ 3 जजेस हैं इनके पैनल में, ये तो 4 जजेस हो गए हैं यार। सो मैं पॉइंट फिर वही बोलूंगा, कैन जजेस बी कोचेस? क्या एक्सप्लेनेशन है एक्सपोज इन लोगों के पास टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ अस की यार? तो चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है आप सबके फेवरेट अली बिलाल की ओर से, जिन्होंने भाई हाल ही में कंप्लीट किया था अपने दिल्ली वाले प्रो शो में, और वहां पर भाई उन्होंने 3rd प्लेस सिक्योर की थी। तो फाइनली इनकी तरफ से भी अपडेट लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। सो गाइस अपने अली बिलाल ने अपने आफ्टर दी दिल्ली प्रो शो अपने एक रिसेंट फिजिक अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो की आप लोग देख सकते हैं कि अपने अली बिलाल भाई प्रेजेंट टाइम में कैसे लग रहे हैं। कंडीशनिंग ऑन पॉइंट, मिड सेशन भी काफी ज्यादा शार्प नजर आ रहा है, और काफी ज्यादा हंग्री नजर आ रहे हैं अपने अली बिलाल इस बार की ओलंपिया की क्वालिफिकेशन को पाने के लिए। और भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने अली बिलाल के नेक्स्ट कंपटीशन को लेकर। अब तो भाई अपने अली बिलाल से भाई इतना कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट कंपटीशन की अपडेट भाई जल्दी ही दे दो, क्योंकि काफी सारे इंडियन फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब अपडेट दोगे अपने नेक्स्ट शो की। बाकी भाई आपको पता ही है कि इनकी तरफ से जो भी अपडेट आएगी वो सब आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो की आ रही है रोनी कोलमैन की ओर से, जो की भी अपने 8-टाइम ओलंपिया चैंपियन है। तो भाई इन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर अपने हार्डी चोपैन, जो कि अपने करंट ओलंपिया चैंपियन है, उनको रिएक्ट करते हुए एक यूट्यूब वीडियो बनाई है। तो चलिए उसकी छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। बिग थिक चेस्ट, बिग थिक आर्म्स, लिफ्टिंग दैट लाइट वेट बेबी लाइक इट एंट नथिंग, नथिंग टू बट टू डू इट हार्डी, यू गॉट दिस। प्लेइंग विद देम वेट्स, यप यप, lightweight baby, lightweight, lightweight, let's go hotty, let's get it, let's get into it, let's do it, yep, 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 come on, you got this, let's do it, lightweight baby, lightweight, lightweight baby, nothing to it but to do it, let's go.
lift some lightweight for him, Hottie. Yeah, buddy. Let's get it. Come on, Hottie, you got this. Lightweight, baby. You had some more room on that one. Come on, Hottie, let's go. Let's get it, Hottie, let's get it. Yep. Lightweight, baby. Come on. Yep. Come on. You got this. All right, Hottie. Let's get it, buddy. Lightweight, baby. Nothing to it but to do it, baby. Hard work always pays off. Now you got the title, buddy. Yeah, buddy. Mr. O. 2022. We're going to be Mr. O 2023.